माता जी दोस्तों, मैं पुष्पा देवी करती हूँ आज की वीडियो की शुरुआत। दोस्तों आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम भी स्वस्थ हैं। दोस्तों आज के दिन की शुरुआत हो रही है मेरी 4:15 से दोस्तों, क्योंकि आज हमें जाना था 108 परिक्रमा करने भागवत के पंडाल में, तो मैं 4:15 उठ गई थी दोस्तों। रात को हमारे वहाँ माता रानी की चौकी थी, हमारे गली के किसी ने करवाई थी, तो 2 बजे वहाँ से सोई थी मैं, और फिर मैं 4:15 का अलार्म लगा के सो गई थी। तो 4:15 मैं उठी दोस्तों, 4:15 मेरा अलार्म बंद बजा, तो उसके बाद मुझे ना थोड़ी सी नींद से आने लगी, झपकी लगी, तो उतने मुझे आवाज़ आई, पुष्पा है एकदम से ऐसे झपक के, बिल्कुल झपक के उठी। तो 4:00 थे, तो मैंने कहा मुझे किसी ने आवाज़ लगाई है लगता है। दोस्तों मुझे अब यह एहसास हो रहा है कि मुझे माता रानी ने आवाज़ लगाई थी, अगर उसको फिर सोच आती थी शायद मेरी नींद उठती खुलती नहीं टाइम से, तो मेरी एकदम नींद खुल गई। और फिर मैं उठी, मैंने झाड़ू वगैरह लगाया, बाहर पानी छिड़का, और फिर मैं नहाने चली गई। तो अब बज रहे हैं सुबह के 5:30, तो मैं 108 परिक्रमा लगा कर आ चुकी हूँ भागवत के पंडाल में दोस्तों। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे अपनी किचन में, तो करते हैं डेली का काम, मेरे साथ वीडियो में आगे बने रहिए। बोले किस किस को चाहिए पहले बताओ। जिस आइए, आज के मुख्य यजमान जहाँ तक हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं, और जो जो आज के मुख्य यजमान बने हैं वो शीघ्र इस कथा पंडाल में आने का कष्ट करें। कुछ ही क्षणों में ये भव्य पूजन, ये भव्य अनुष्ठान प्रारंभ होने के लिए जा रहा है, यज्ञ प्रारंभ होने के लिए जा रही है। तो सभी अपने अपने कार्य को विराम देते हुए नन्ने नन्ने पैरों से, जो बाके बिहारी ने, राधा रानी ने, कुंज बिहारी ने, वृंदावन के बिहारी ने दिए हैं, तो उनसे चल करके आए और आकर के सभी इसमें सम्मिलित हो जाए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। एक फरात दो इसमें से, एक फरात पंडित जी ने बोला अभी मिलाने के लिए। कोई अभी सामग्री नहीं लेगा, किसी को सामग्री नहीं देनी अभी, सामग्री अभी काफी समय लगेगा, क्योंकि पूजन होगा सबसे पहले, और पूजन होने के बाद तब ही कुछ सामग्री मिलेंगे। आइए परीक्षित जी और परीक्षितानी जी, जहां तक हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं, तो शीघ्र शीघ्र इस कथा पांडाल में आने का कष्ट करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। परीक्षित आई देखो वो खड़ी दिल्ली, हम तो ब्रज के वासी रहेंगे, सदा सदा रहते हैं। अरे दिल्ली में भी सब आ ही तो गए हैं, कहलाएंगे तो ब्रज की वासी। पंडित जी जब हम मथुरा में जाते हैं, मथुरा वासी बोलते हैं, आप दिल्ली वासी हो गए। नहीं नहीं, क्योंकि ब्रज की वासी ऐसे तो फिर आइए, जितनी भी कलश वाली माता बहने हैं, जहां तक हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं, जिस जिसने कलश उठाए हैं और जिसने पूजन कराए हैं 7 दिवस में, वो शीघ्र इस कथा पंडाल में आने का कष्ट करें और अपने जीवन को धन्य बनाए। कुछ ही क्षणों में ये भव्य अनुष्ठान, ये पूजन प्रथम अपने अपने हाथ में जल लेंगे। सबसे पहले हाथ में जल लीजिए, चमड़े का अगर कुछ ही हो तो उसे अलग रख लें। हाथ में भैया वो बात आपकी ठीक है, मैंने इसीलिए पहले ही बोला था, अब मेरी की कोई फल नहीं मिलना वाला, जी बस शैतानों की पूजा होती है, मेरी कोई कमी नहीं है, कमी ओम दिव्याय तम श्री अस्तम वेधाय तम श्री दिव्याय तम श्री मदम भागवतम दिव्यम नमामि।
ओम वेदायतम श्रीमद्भागवतम भागवत महापुराणम सर्वदेव्यम नमामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की। आइए सभी अपने अपने हाथ में अक्षत खुले और वेदी का ओम यज्ञो देवाय धम्महे नमो दृहे यज्ञाय तस्वधम्महे नमो देवाय नमे देवभ्याय तस्वधम्महे नमो देवाय नमे। महाश्री यज्ञम वेधाय धम्महे नमो देवो श्री अग्नि देवता वसो देवता शुढ़ो देवता चंद्रमा देवता वसो देवता रुद्रो देवता मृतो देवता विश्वे देवी देवता ब्रह्म देवता यदा यतस्त्रे यज्ञ देवताम आभ्यामि नमस्करोमि। बोले यज्ञ पुरुष भगवान की जय। बोले यज्ञ देव भगवान की जय। ओम गोविंदाय नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायण नमः स्वाहा। ओम ब्रह्म विद्याय देवस्य स्थाय नमः स्वाहा। ले लो स्वाहा 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 ओम यदम्मधाय तम रूपम माल्यस्वदीनम लोकम गुजेस्तदम प्रियतहम प्रकृत्य स्वेदम कर्मेश्व ईश्वरे नमः स्वाहा। एतानो भगवने सर्वा यथानि वैतेह्यदम उद्रलोके स्वने सर्वलोकाभ्याम नमः स्वाहा। सूत उवाच। थोड़ा जल छोड़े, जल छोड़ जी दीजिए। परीक्षित जी, सिर्फ परीक्षित जी कोई नहीं छोड़ेगा, एक परीक्षित जी जल छोड़े बस, और किसी को जल नहीं छोड़ना है। पंडित जी इतनी शांत नहीं होगी अभी। ओम इत्युक्तो विष्णुरातीन भगवान वाले रूपणे वाचचरिष्वदीनम यदम कृतम यह नमः स्वाहा। यदि नमः स्वाहा श्रीमद्भागवत महाप्रणव्याय नमः स्वाहा श्रीमद्भागवत महाप्रणव्याय नमः स्वाहा श्रीमद्भागवत महाप्राणे नमः स्वाहा श्रीमद्भागवत महाप्राणे नमः स्वाहा सर्ववेदाय नमः स्वाहा कृष्णगोविंदाय नमः स्वाहा कृष्णगोविंदाय नमः स्वाहा। क्यों परीक्षिता परीक्षिताणी नमो श्रीदेवाय धीमहि नमो श्रीमाता पार्वतोमहि पूराय धीमहि नमो देवाय धीमहि नमो देवेदाय दशधीमहि नमो देव्याय दशधाय धीमहि नमो श्रीवेदाय धीमहि नमामहि महि श्रीदेव्याय धीमहि नमो श्रीवेदाय धीमहि नमो देव्याय दशधाय नमो यथा सदा महाजि देवाय धम्महि पूर्णा यतम्महि यज्ञाय दशधम्महि नमो वेदाय दशधम्महि मनु कामनाय धम्महि नमो श्री दिव्याय तस्म श्रीमदे भागवते महापुराणे अस्थायतम श्री मनोकामनाय हेताटाय श्रीदेव्याय लक्ष्मी न यथा यदम महि मनोदेवाय तस्वधाय धम्महि नमो वेदाय। स्वामी को सारी को छोड़ दें, एक भी पात्र में स्वामी की नहीं रही और स्वामी के उस हिसाब से धीमे धीमे छोड़ रही है। आज का हवन जो कि हवन पूर्ण हो गया और हवन के बाद अभी शाम को जस्ट अभी मैं लेकर आई हूँ हमारा कलश। सबको कलश मिल गए हैं लोगों, लेकिन बहुत से लोगों ने ऐसे किया है कि दूसरों का कलश ले गए, लेकिन दोस्तों मुझे तो मेरा ही कलश मिला है जूम कर, क्योंकि मैंने अपने कलश में अपना नाम लिखा था
ये पुष्पा मेरा नाम लिखा हुआ है, मैंने अपने कलश में अपना नाम लिखा था तो मुझे तो मेरा ही कलश मिला है। और बहुत से लोगों ने एक दूसरे का कलश ले गए, पता नहीं क्यों लोग एक दूसरे का कलश उठाते हैं अपने कलश की। 7 दिन हम लोग पूजा करते हैं, उसमें जल डालते हैं, साइड से उठाते भी हैं नारियल को, पूजा वगैरह करते हैं अपने सच्चे भाव से, और लोग फिर लास्ट में एक दूसरे का कलश ले जाते हैं, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अपना ही कलश उठाना चाहिए। तो अब देखते हैं जो चित्रा की अभी मेरे साथ जाती थी उनको उनका अपना कलश मिलता है या फिर किसी और का। वैसे अभी हमने बता दिया था, हमें रास्ते में मिल गई थी तो मैंने कहा था अपना ही कलश उठाना, मतलब तुम्हारा कलश नहीं होगा तो वो कलश लेना जिसमें जल होगा। अब देखते हैं उनको भगवान उनका कलश ले जाता है या क्या, वो तो भगवान के ऊपर है दोस्तों। लेकिन मुझे मिला मेरा कलश, ये रहा हमारा भागवत का कलश जिसे मैं किया आज मंदिर में रखूँगी और कल मैं इसका जल पूरे घर में छिड़कूँगी। जय श्री भागवत भैया की जय, जय ओम नमः भगवते वासुदेवाय। तो दोस्तों मैं पुष्पा देवी आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए दोस्तों। और जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी दोस्तों।